नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ। दोस्तों, एनम जेनम भर्ती 2018 की स्टूडियो में बात करेंगे। कोरोना को हराना है तो सरकार भरे नर्सेज के खाली पद। लगभग 6557 जेएनएम भर्ती के पद और 5500 पद एएनएम भर्ती के पदों पर होनी थी भर्ती। जनवरी 2020 में फाइनल रिजल्ट भी जारी हो चुका है। साथ ही कोरोना के आइसोलेशन वार्ड में काम कर रहे नर्सेज के लिए विशेष जो रिस्क अलाउंस है, स्पेशल रिस्क अलाउंस, उसकी भी मांग की है। क्या है पूरी खबर, आइए इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं, आइसोलेशन में कार्यरत नर्सेज ने मांगा विशेष अलाउंसेज। कोरोना को हराना है तो सरकार भरे नर्सेज के खाली पद। 6557 पदों पर जीएनएम भर्ती होनी है। इसके अलावा लगभग 5500 पदों पर एएनएम भर्ती। 24 जनवरी को जीएनएम भर्ती का फाइनल रिजल्ट और 18 जनवरी को यहां पे एएनएम भर्ती का फाइनल रिजल्ट जारी हो चुका है। आइसोलेशन वार्ड में कार्यरत नर्सिंग कर्मियों को दिया जाए विशेष अलाउंसेज। यहाँ पे लगभग 3 से 4 मांग रखी है सरकार के सामने। जैसा ही दोस्तों देख रहे हैं आप, यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि कोरोना अब महामारी का रूप ले चुका है। ऐसे में राजस्थान संयुक्त संविदा नर्सेज के प्रदेश संयोजक मनोज मीणा दुब्बी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर नर्सेज के लिए विशेष अलाउंस देने की मांग की है। मीणा ने बताया कि कोरोना वायरस के चलते नर्सिंग स्टाफ आइसोलेशन में हाई रिस्क पे काम करता है, इसलिए दिल्ली और बंगाल सरकार की तर्ज पर किसी भी तरह की अनहोनी होने पर स्टाफ को शहीद का दर्जा दिया जाए। साथ ही वही तरह के उन्हें पैकेज भी दिए जाए। साथ ही उन्होंने डीएस मीणा के माध्यम से विशेष अलाउंस देने की भी यहाँ पे मांग की। मीणा ने एसएमएस के प्रभारी डीएस मीणा के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। मीणा ने राज्य सरकार से नर्सिंग भर्ती 2018 में चयनित चिकित्सा विभाग में रिक्त पड़े नर्स के पदों पर नियुक्ति देने की भी यहाँ पे मांग उठाई। उनका कहना कि नर्सिंग स्टाफ की कमी को देखते हुए 30 मई 2018 को राजस्थान सरकार ने यहाँ पे वैकेंसीज निकाली थी, जिसका 24 जनवरी 2020 को फाइनल रिजल्ट विभाग द्वारा जारी कर दिया गया है। लेकिन सरकार ने आज तक सफल और चयनित नर्सिंग कर्मियों को नियुक्ति नहीं दी। यदि नर्सेज को नियुक्ति मिल जाती है तो इस संकट की घड़ी में ये कारगर साबित होंगे, क्योंकि कोरोना जैसी बीमारी के समय नर्सिंग स्टाफ पूरा होगा तो मरीजों को थोड़ी राहत मिल सकेगी। जी हाँ दोस्तों, मैं बता दूं, राजस्थान संयुक्त संविदा नर्सेज के प्रदेश संयोजक मनोज मीणा दुब्बी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम पत्र लिखा है, ज्ञापन सौंपा है एसएमएस के प्रभारी डीएस मीणा के माध्यम से। साथ ही इन्होंने नर्सेज को विशेष हाई रिस्क अलाउंस देने की भी यहाँ पे मांग की है। और साथ ही वर्ष 2018 की एनएम और जीएनएम में चयनित अभ्यर्थियों को जल्द से जल्द नियुक्ति दिलवाने की भी यहाँ पे मांग की है, ताकि जो इस संकट की जो घड़ी है कोरोना वायरस से लड़ने की, इसमें यह कारगर साबित हो सके और जल्द से जल्द जनता को इससे राहत मिल सके। तो दोस्तों, यहाँ पे बड़ी मांगें उठाई है दो, नर्सिंग भर्ती 2018 अभ्यर्थी के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने, साथ ही नर्सेज को हाई रिस्क अलाउंस देने की यहाँ पे मांग की है। बड़ी अपडेट आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ पे। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपने देखा कि एनएम जेएनएम भर्ती 2018 वर्ष 2018 में भर्ती निकाली गई थी। इसके बाद में वर्ष 2019 के लास्ट में इनके जो प्रोविजनल लिस्ट है वो एनएम के नवंबर में और नवंबर और दिसंबर में यहाँ पे एनएम और जीएनएम की प्रोविजनल लिस्ट निकाली। इसके बाद में जनवरी में एनएम और जीएनएम की फाइनल लिस्ट यहाँ पे निकाली गई, यहाँ पे जिसमें एनएम की लगभग 18 जनवरी को और जीएनएम की 24 जनवरी को यहाँ पे फाइनल लिस्ट निकल चुकी है। साथ ही जो सारे केसेस थे वो हट चुके हैं, जो स्टे थे वो हट चुके हैं। इसके अलावा जो फिजिकल हैंडीकैम उसके जो एग्जामिनेशन है वो चल रहे हैं। बाकी जिनका कास्ट वेरिफिकेशन को लेकर भी जो वेरिफिकेशन है वो भी यहाँ पे जारी है। साथ ही मैं बता दूं, यहाँ पे कोरोना का प्रकोप बहुत ज्यादा फैल रहा है, इसको लेकर सरकार से नर्सेज के पद जल्द से जल्द बढ़ने के लिए मनोज सिंह दुब्बी ने पत्र लिखा है। साथ ही जो
हाई रिस्क अलाउंस है नर्सेज को, वो भी दिलवाने के लिए हमें मांग की है, क्योंकि दोस्तों विभिन्न नर्सेज आइसोलेशन वार्ड में कार्य कर रहे हैं और जो हाई रिस्क अलाउंस है वो देने की यहाँ पे राजस्थान सरकार से मांग की है। साथ ही लगभग 13,000 पदों पर जो नर्सिंग भर्ती है वो भी जल्द से जल्द पूर्ण करने की यहाँ पे बात की है। ज्यादातर वीडियो को पसंद आए तो लाइक और शेयर करना न भूलें। आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।